से आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपको किस तरीके से कंसीव करने में सफलता मिलेगी, कैसे सफलता आपको मिलेगी कंसीव करने के लिए। तो सालों से जो महिलाएं कंसीव करने का सोच रही हैं और अब वो ट्राई कर रही हैं, रिलेशन में रह रही हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जब प्रेगनेंसी आप प्लान करते रहते हो तो कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। अक्सर महिलाओं का कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, फर्टिलिटीज़ कोई भी इशू नहीं है, कोई भी वो बांझपन का शिकार नहीं है, यानी कि एंडोमेट्रोसिस, फाइब्रॉइड, ये सारी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, पॉलीसिस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है, तब उन महिलाओं को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि थोड़े बहुत ज्ञान की ज़रूरत है। इन थोड़े बहुत ज्ञान के आधार पर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते रहते हो तो आप क्या सोचते हो कि कौन सा दिन ऐसा बढ़िया होता है। आप पूरे महीने कोई ऐसा दिन नहीं है, 300 दिन ये नहीं है, 300 दिन में अगर 5 दिन हटा दूँ मैं तो आप 25 डेज ऑलमोस्ट लेके चलो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2500 दिन अगर आप ट्राई करोगे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो आप सफल रहोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर आप 15 डेज रिलेशन में रहते हो उन 25 दिनों में, ठीक है, और उन 10 दिनों में जिस दिनों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है 2 से 3 दिनों में, उन दिनों में आप रिलेशन में रह ही नहीं रहे हो तो फिर आप प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बेहद ज़रूरी ये है कि आपको उन दिनों में किस दिन सबसे ज़्यादा आपका फर्टाइल डेज है, किस दिन में आप 100% चांसेस है आपके कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, खासकर वो 3 से 4 दिन जो होते हैं फर्टाइल डेज के आसपास के दिनों में आपको ट्राई करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना ओवुलेशन डे कैलकुलेट करना है, हिसाब करना है, निकालना है कि आपका पीरियड कितने दिन का है, 28 दिन का है, 30 दिन का है, 32 दिन का है। हेल्दी बॉडी का इंडिकेशन है 28 का हो या फिर 30 का हो या फिर 32 का हो, तो ये पीरियड्स डेज जो है वो हेल्दी होते हैं। तो इन दिनों में आपका फर्टाइल डेज महीने के बीच के दिनों में होगा, उन बीच के दिनों में आपको ऑलमोस्ट 10 दिन निकाल लेना है और उन 10 दिनों में ही आपको रिलेशन में रहना है, खासकर उन 10 दिनों के बीच के दिनों में, जैसे कि अगर बात कर ले कि 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 4, 5, 6, 7, 8 दिन हैं, ठीक है, ये फर्टाइल डेज हो सकते हैं आपके। इन दिनों में कंसीव करने के बेहद हाई टाइम होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो ओवुलेशन डेज को कैलकुलेट कीजिए आप, सबसे पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आप ओवुलेशन डेज में जब रिलेशन में रहते हो तो क्या चीज़ें फॉलो करते हो, ये नहीं कि आप ये सोचोगे कि कोई ख़ास पोजीशन से जो है रिलेशन के दौरान उससे कंसीव हो जाती हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा कोई ख़ास पोजीशन साइंटिफिकली भी ऐसा प्रूवन नहीं है कि किसी ख़ास पोजीशन से महिलाएं कंसीव कर लेती हैं, नहीं, आप बस बताया हुआ है कि किस तरीके से आप एक नेचुरल पोजीशन में भी कंसीव कर सकते हो। रिलेशन के पहले रिलेशन के बाद जो है आपको कितने देर में वॉशरूम जाना है, यूरिन के लिए 10 से 15 मिनट बाद जाना है, 10 से 15 मिनट तक आपको लेग अप दी वॉल पोजीशन करना है, उसके बाद अगर इससे भी कोई प्रॉब्लम हो, फॉल आउट की समस्या हो, तो मेंस्ट्रुअल कप का आप यूज़ कर सकते हो। इन सारे चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो जिससे कि कंसीव करने में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करते जाएं। धन्यवाद।